अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप घर बैठे बिठाए अपना बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ना तो आपको बैंक के अंदर जाना पड़ेगा, ना ही आपको पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए जो है अगर आप अलर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ यूँ है कि आपने आपके बिल के ऊपर एक कंज्यूमर नंबर मौजूद होता है, तो आपने उसको कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें आपको ये कंज्यूमर नंबर नज़र आ रहा है, तो इसी तरह का 14 डिजिट कंज्यूमर नंबर होगा, उसको आपने कॉपी करना है और अपने बैंक के साथ लिंक करना है। कंज्यूमर नंबर को बैंक के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर अपने बैंक की जो ऐप होगी, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरा जो बैंक है वो HBL है, तो मैंने HBL की जो एप्लीकेशन थी उसको डाउनलोड कर लिया और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया, और उसके बाद दोस्तों आपने लॉग इन हो जाना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉग इन होंगे तो यहाँ ऊपर आपको सेकंड पे बिल पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो दो कंज्यूमर नंबर जो कि मैंने बैंक के साथ लिंक किए हुए थे, उन दोनों की बिल की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर दोस्तों आप मज़ीद जो है इसकी डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर टैप करेंगे, दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपके बिल की कम्प्लीट जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि कंपनी का नेम है, कंज्यूमर नंबर है, कंज्यूमर नेम है जिसके नेम के ऊपर बिल जो है वो मौजूद है, और बिलिंग मंथ है, ड्यू डेट है, और पे आफ्टर ड्यू डेट भी अवेलेबल है। और यहाँ पर देखें नीचे दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि बिल का स्टेटस, ये भी जो बिल है अभी तक अनपेड है और इसको ही आज हमने सबमिट करवाना है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम जो है अपना कंज्यूमर नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उसका तरीका कुछ यूँ है कि यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपने कौन सा बिल जो है वो सबमिट करवाना है। दोस्तों यहाँ पर मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपके पास जिस कंपनी का बिल है आप वो कंपनी सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हमारी आइस्को है। और यहाँ पर वो 14 डिजिट नंबर जो कि आपके बिल के ऊपर मौजूद है वो कंज्यूमर नंबर आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरह दोस्तों आपका जो कंज्यूमर नंबर होगा वो बैंक के साथ लिंक हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी बिल आएगा या तो बैंक आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देगा, ईमेल के ज़रिए भी और SMS अलर्ट के ज़रिए भी। दोस्तों अच्छी तरह आपने सारी डिटेल चेक कर लेनी है, स्पेशली कंज्यूमर नेम जो है आपने मैच कर लेना है कि आपका जो कंज्यूमर नंबर और कंज्यूमर नेम सेम है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों नीचे जो है हमें पे का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और इस मंथ का बिल जो है वो हमने सबमिट कर दिया है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर नीचे हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है कि अगर हम रेगुलरली हर मंथ जो है वो बिल पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमें लॉग इन हुए बगैर हमारा बिल सबमिट हो जाए, तो उसके लिए आपने इसको एनेबल कर देना है। जैसे ही दोस्तों मैंने बिल पे किया है, तो यहाँ पर जो जहाँ पर पहले अनपेड आ रहा था वहाँ पर देखें अब पेड का ऑप्शन शो हो रहा है। इसी को दोस्तों अगर मैं दोबारा ओपन करूँगा तो उसमें जहाँ पर पहले अनपेड आ रहा था वहाँ पर पेड का ऑप्शन आ चुका होगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर नीचे बिल स्टेटस के अंदर आ चुका है कि दिस बिल इज़ ऑलरेडी पेड। दोस्तों HBL की तरफ से SMS अलर्ट के ज़रिए भी मुझे बता दिया गया है कि मेरा बिल जो है वो पे हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बिल अभी हमने पे किया है ईमेल के ज़रिए उसकी डिटेल हमें सेंड कर दी गई है। इसी तरह दोस्तों अगर आप भी जो है अपना बिल पे करना चाहते हैं, तो अपने बैंक की ऐप इंस्टॉल करें बजाय ये कि आप बैंक का और पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाएं, तो आप घर बैठे बैठे अपना बिल पे कर सकते हैं।